महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर पहुंचाया जेल। मामला छापीहेड़ा थाना का है, जहां थाना प्रभारी जयप्रकाश चौहान ने बताया कि 11 फरवरी को पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें पीड़िता ने बताया कि वह छापीहेड़ा में आरोग्य क्लिनिक पर पेट दर्द का इलाज कराने गई थी, जहां पर रामचरण द्वारा उसे गलत इंजेक्शन दिया व पानी में कुछ मिला दिया, जिसके बाद पीड़िता के साथ बलात्कार किया। कथनों के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई के लिए टीम गठित की और अपराधी की तलाश में लग गए, जिसके फलस्वरूप आरोपी को थाना छापीहेड़ा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को उसके अंजाम तक सलाखों के पीछे भेजा गया। सर, कल जो थाना छापीहेड़ा में 376 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है, उसके बारे में जानकारी बताएं। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय जिला राजगढ़ एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला राजगढ़ द्वारा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई करने एवं आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी के पालन में दिनांक 11 फरवरी को पीड़िता द्वारा जिला अस्पताल राजगढ़ में आरोपी रामचरण डांगी निवासी जटामढ़ी के द्वारा उसके साथ उसी के क्लिनिक में गलत काम करने संबंधी रिपोर्ट लेख करवाई थी, जो देहाती नालसी थाना कोतवाली राजगढ़ द्वारा लेख कर असल कायमी हेतु देहाती नालसी थाना छापीहेड़ा में भिजवाई गई थी। दिनांक 12 फरवरी को डायरी प्राप्त होने पर असल कायमी की गई एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रामचंद्र दादी को तत्काल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। वर्तमान में प्रकरण की विवेचना जारी है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ से यूडी न्यूज के लिए विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट।